तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गुलशन दा ढाबा पे, और ये देखिए होंडा की ऑर्गेनाइज करी हुई राइड पे हम आज आ गए हैं। काफ़ी टाइम बाद ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड है, और ये रहे हमारे सत्येंद्र जी, और ये देखिए सारी ब्यूटीज इकट्ठे खड़ी हुई हैं। सो सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो बहुत ही लंबे टाइम बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट राइड करी है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद हम लास्ट अक्टूबर में गए थे राइड करने, और आज हम वापस आ गए हैं। वो है और ये रही बीस्ट अफ्रीकन ट्विन, वो रे अमित जी, और हमारे ओ, 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 ये देखिए कौन है ये ब्लॉगर साहब। और जी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या हाल? सब बढ़िया। ये रहे कैलिस्थेनिक्स वाले हमारे भाई। और रे सत्येंद्र जी, चलिए मिलते हैं अरुण भैया और अमित जी से। हाँ जी, की हालचाल? की हालचाल? आ गए लेट लोग, आ गए लेट लोग। तेरे को भी टेस्ट राइड के लिए दे दे भाई। देओ भाई, देओ यार, ले फिर पहले अफ्रीकन ट्विन तो ले, फिर ही देंगे तेरे को भी टेस्ट राइड के लिए। सो गाइस, अफ्रीकन ट्विन एक अपने अलग ही लेवल की बीस्ट बाइक है, जो कि एक एडवेंचर टूरर बाइक है, और काफ़ी कॉस्टली बाइक है और काफ़ी प्रीमियम बाइक है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और तू मेरे को भी साथ में ले आ, या तो इधर से तेरी टकराएगी वीडियो, या से मेरी टकराएगी। तो गाइस चलिए चलते हैं, कहाँ बैठे हैं सारे वो भी देखते हैं। एसी वाले हॉल में बैठे हैं भाई। अच्छा, एसी वाले हॉल में, मतलब बाहर गर्मी है भाई। हम राइडिंग जैकेट वगैरह उतारते, काफी हैवी हो जाता है ना बैठे हुए, तो इसलिए राइडिंग जैकेट उतार के सेटल होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। खड़े करवा करवा के पूछ रहे हैं कि क्या करवाना है, तो बीच में मैंने बोला जय माता दी। एक बेशक आलू वाला कम करके पनीर का ही कर देना। हाय, सो सर हमारे साथ जिम कॉर्बेट राइड पे गए थे, तो आज बहुत टाइम बाद सर से भी हमारी मुलाकात हो रही है, सो आज सारे एंजॉय करेंगे। तो बोलना तो सीख लिया। बोलना ये मतलब, पहले तोतले थे हम, अब ढंग से बोलना सीख लेते हैं। हाँ जी, तो बैठे अरुण भी हमारे, सत्येंद्र जी, और ये रहे अमित जी, और ये रहा डॉन, है ना। ऋत्विक जी क्या शिकायत है आपकी, बताएं? राइड पे हम आपको लेके नहीं जाते, या आप हमें नहीं लेके जाते? सो ये कह रहा है आप हमें नहीं लेके जाते। हम नहीं लेके जाते बेटा, पूरा ग्रुप बना हुआ है, तुम राइड पे कभी भी नहीं चलते। दो राइड्स के बाद हम सारी राइड्स करते हैं, एक भी राइड नहीं मिस करी, खाली संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड जो होती है उनको मिस करिए एक दो। क्यों करिए भाई, हर राइड पे ही जाते रहे, लंबी करो ना। अब लद्दाख चलेंगे, लद्दाख चलो। मेरा भी प्रेडिक्ट कह रहा था चलो। तुम नहीं चलने वाले, छोड़ दो भाई साहब 15 दिन के लिए। आलू पराठा आ गया है, और ऋत्विक ने मंगवाया है पनीर का पराठा। आपका भी पनीर का है ब्रो? हमारा पनीर का है। हाँ। भाई ये ऐसा पनीर नहीं है। अच्छा, ये रहा पनीर, ये रहा पनीर आ गया जी। आलू प्याज आगे बढ़ा दो जी, आगे बढ़ा देते हैं। आपका पनीर है? ओहो भाई साहब, बढ़िया हुआ तो छोले भटूरे का। तो जी आगे पनीर पराठा, अब मक्खन लेते हैं, और ले रहा हूँ मक्खन, ले रहा हूँ, और डालते हैं इस पे, थोड़ा सा ही लेंगे यार। ये आ गया इस पे मक्खन। सेहत बनती नहीं है बेटा, पेट बनता है इससे, कोई बात नहीं, जिंदगी है जीने के लिए। तो चलिए करते हैं ट्राई, कैसा है? काफी गरम गरम है, खोलता हुआ। यार चाय भी करवा दो। हाँ क्या? This is good. तो एक और आलू प्याज का करवा रहे हैं, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए खाते हैं आलू प्याज का भी आ रहे हैं। पहले प्रोटीन ले लो, अब कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, है कि नहीं? हाँ
और आरएस को देख के पता ही नहीं चलता क्या ही है भाई साहब। आरएस है आपकी स्क्रैम्बलर बहुत तगड़ी भाई, मुझे तो बहुत क्योंकि बेटे तेरे पास है इसलिए तेरे को तगड़ी लगती है। तो भाई दो चीज बढ़िया है यार, जो सीबी है ना वो उसके बेसिस पे है कि तुम लॉन्ग टूर पे जाओ, मेरे को ज्यादा सिटी में ये वाली लॉन्ग टूर नहीं जा सकते भाई साहब। भाई साहब सीट अगर ठीक नहीं करवाओगे इतना सेटिंग सीबी 350 का ऐसा सा है कि मतलब बंदा सोचे एक बार को कि रह नहीं दो यार, दर्द हो जाएगी बड़ी बुरी। मैं तो टूरिंग सीट लगवा ली है, मुझे लग रहा आरएस की सीट ज्यादा अच्छी है, मेरे को भी लग रहा था उसकी थोड़ी सॉफ्ट है। आप मेरी वाली टूरिंग सीट देखना, मेरी टूरिंग सीट देखना आप जो मैंने लगवाई है ना, मैंने उससे थोड़ी एग्रेसिव है तो नीचे को बट यार मुझे ऊपर करवा सकते हैं क्योंकि इससे पहले थी मेरे पास नहीं है, मुझे भी ये बढ़िया लगता है ये, मतलब वो एडजस्टेबल है वो। बेटा जितनी हम राइड करते हैं ना उतनी राइड पर तुम चल के दिखाओ, मेरे को भी पता चल जाएगा कि हाई में अच्छी है। बट वो मतलब अगर हैंडल ऊपर भी करवा सकते जो है ना आप लॉन्ग राइड कर सकते हो ज्यादा भाई है वो लॉन्ग के लिए बनाई है। दो जी दो पराठा आप लोग लिशियस करके उसने डोमिनार पे वर्ल्ड टूर करा है, तीन वर्ल्ड टूर करा है उसने, मतलब 7-8 कंट्रीज वो डोमिनार पे घूम चुकी है, एक से एक राइडर है। बट यार मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था मुंबई का निखिल, मुंबई का निखिल बॉर्न टू राइड लक्ष्य, वो तो मेरा फ्रेंड है खैर लक्ष्य तो वो भी कह रहा था राइड पे। बट निखिल निखिल ने मोटो ब्लॉगिंग एक्चुअली भी क्या कर रहा है वो कर रहा है ज्यादा ज्यादा मतलब फैमिली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग में आगे डेयरी ब्लॉगिंग आ गया, हाँ डेयरी ब्लॉगिंग है, फिर उसकी बेटी भी हो गई है ये लद्दाख गया था ना जिसे कौन मुंबई कर निखिल वहाँ से बाइक उसने ट्रक में, हाँ इसने ट्रक में वापस करवाई थी वापस, भाई मैं नहीं हो रहा वापस वापस कह रहा मैं नहीं लद्दाख से वापस आ रहा कमाल करा। लक्ष्य भी है मेरा दोस्त है जो वो स्कूटी पे बॉम्बे पहुंच गया था, अच्छा वो हाँ फिर वो स्कूटी पे वहाँ पहुंच गया था, क्या नाम है लद्दाख भी करा उसने, समझ गया बॉर्न टू राइड मैं पहले देखता हूँ। सो सर इज टेलिंग ए स्टोरी के हाउ व्हेन ही रोड जब उन्होंने मतलब राइडिंग वाइडिंग करी तो पिछले साल मनाली में क्या ट्रेजेडी हुई थी, सो वी आर लिसनिंग टू हिम। नाला बहता हुआ रहता था वहाँ, नाले का प्रेशर कम करने के लिए जेसीबी लगा रखी है, जेसीबी की साइड में लगा रखी है, गाड़ी निकल रही है। सो सर ने केदारनाथ पे भी जब जो ट्रेजेडी हुई थी काफ़ी साल पहले वहाँ पे भी सर ने कुछ ऐसा सही फेस करा था, तो बहुत पुराने टाइम से सर राइड कर रहे हैं। ट्रैजिक राइडर। सो बाकी सारे ना रेडी होने शुरू हो गए हैं क्योंकि बाहर जाके अब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, एंजॉय करा काफ़ी अच्छे से हमने और काफ़ी पुराने जो मिले हैं हम लोग तो उनसे भी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा। बाहर जाके फोटो सेशन एक अच्छा सा करते हैं बाइक्स के साथ, तो चलिए चलते हैं। तो तू क्या चाहता है, दिलवा दे एक नई जैकेट भाई, होंडा के मैनेजर है। तो आ गए हैं हम बाइक की तरफ वापस से और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस संडे ब्रेकफास्ट राइड का, काफ़ी ही टाइम बाद हमने करी ब्रेकफास्ट राइड। सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे, अब हालत में नहीं है ना ज़्यादा खा लिया इन्होंने गुलशन पे। सो इट वॉज नाइस राइडिंग विद ऑल, सर ने पैनियर्स भी इंस्टॉल करवाए हुए हैं यार, देखो जानदार बाइक। नहीं जाओ आप जाओ। गाइस मैं भी रेडी हो गया हूँ, आई एम ऑल सेट रेडी टू गो नाउ, और ऋत्विक रह गया है साथ में हमारे और दो तीन अदर राइडर्स भी जो थे वो रह गए हैं, तो अब हम निकलते हैं अपना घर की और बीच में एक वर्क कमिटमेंट है ऑफिशियल तो वहाँ पे भी जाना है।
सो गाइस मैं ऑफिस से फ्री हुआ, कुछ वर्क कमिटमेंट थी ऑफिस का, कुछ काम था, फ्री होके अब मैं आ गया हूँ। ये देखिए हमने स्कूल, यार बहुत यादें हैं इस स्कूल में मेरी, पूरा बचपन से लेकर मतलब मेरी टीनेज यहाँ पे बीती है। मैं आपको लेके चलता हूँ पहले एक ना इसके आसपास का, एक आपको टूर दे देता हूँ कैसा है, फिर बाकी बात यहाँ पे चल के आपसे करेंगे, क्योंकि अंदर आज नहीं जा सकते सिंस इट इज संडे और स्पेशल परमिशन चाहिए होती है स्कूल में जाने के लिए। तो पहले तो आपको इसका राउंड एक टूर देता हूँ कैसा बाहर से दिखता है, फिर बात करते हैं आपसे चल के रुक के आराम से। तो गाइस कुछ ऐसा सा दिखता है बाहर से स्कूल, और ये हमारा मेन गेट हुआ करता था, मतलब है अभी भी, और यहाँ से हम जाते थे अंदर की तरफ। बीते दिन जो पुराने हमारे यहीं गुजरे हैं, पूरा बचपन से लेकर जो टीनेज होती है वहाँ तक पूरी बीती है। ये जो सेकंड गेट होता था वो ये है, और मैं आपको चलिए रोक के दिखाता हूँ अभी। आज यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब मॉर्निंग में तो अच्छा लगा था राइड करते हुए क्योंकि प्लेजेंट सा वेदर था। 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, और इस टाइम पर टेम्परेचर इतना खतरनाक हुआ हुआ है ना, इतना गर्म हुआ हुआ है कहने की हद ही नहीं है। पसीने के कारण ना पूरा फेस बाल वाल सब भीग जाते हैं, हेलमेट एक तो पूरी टाइट है ना इसी कारण। चलिए पहले आपको अब स्कूल की तरफ लेके चलता हूँ और कुछ नई बातें याद करते हैं। गाइस काफ़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, और ये है हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे ना फुटबॉल खेलते थे, ये बाद में ये वाला जो पोस्ट बना था दिख रहा होगा, ये वाला जो पोस्ट है यहाँ से लेकर ना ये किधर भी पोस्ट है आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम फुटबॉल खेलते थे काफ़ी लंबा, और बहुत मेमोरीज हैं इधर की। ये रहा वॉलीबॉल कोर्ट, यहाँ पे वॉलीबॉल खेला करते थे, तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही इन्वॉल्व था। और ये देखिए हमारा ये असेंबली का पॉइंट था, ज़्यादातर तो बच्चे असेंबली में गर्मी के कारण ना बेहोश हो जाते थे, सर्दियों में तो आ जाते थे कैप शैप पहन के और अच्छे से ढक के, बट गर्मियों में ना सारे आधे से ज़्यादा स्कूल की वो जो पुरानी याद है ना वो बेहोश हो जाते थे, कई एक्टिंग करते थे, और मेरी तरह जो बैक बेंचर्स होते थे वो भी ऐसे ही करते थे। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है स्टेज, यहाँ पे ना सारा जो भी प्रेयर मीटिंग्स वगैरह होती थी या कुछ भी असेंबली की जो स्टार्टिंग होती थी, तो यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के बच्चे गाया करते थे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा सारा। तो यहाँ पे भी बड़ी पुरानी यादें हैं यार, और आपको शायद से ये वाली क्लास दिख रही होगी यहाँ पे जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाली हमारा थर्ड सेक्शन होता था, थर्ड क्लास में मैं यहाँ पे था, और ये वाली क्लास जो ये टॉप पे है ये मेरी फिफ्थ क्लास हुआ करती थी। और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो गेट है ना यार, इसके साथ वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ हमारी सेवन्थ क्लास हुआ करती थी। तो बहुत पुरानी यादें हैं यार, और असेंबली ग्राउंड के साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, पीरियड वीरियड बंक करके ना आ जाना और फुटबॉल खेलना, या वॉलीबॉल का मौका मिला तो वॉलीबॉल खेल ली। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ, ये पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे भी बहुत बास्केटबॉल खेली है, ये सारी बसेज रही, तो बहुत नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है। और स्टेज जो है, स्टेज पे 12th के टाइम पर फेयरवेल हुआ था, 12th का जो मेरे से एक साल सीनियर थे, 11th में हमने फेयरवेल हुआ था, तो मैंने स्टेज पे गाना भी गाया था, और कई बचपन से लेकर टिल द टाइम वी वर इन स्कूल काफ़ी अच्छी से यादें स्कूल के साथ हैं, तो कई फंक्शंस पे यहाँ पे आना होता था। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ थोड़ी सी इधर, ये देख सकते हैं ये रहा कैंटीन, और कैंटीन की लाइन में लगते थे, कभी बंक करके मज़े से आ जाते थे पैटीज़ वगैरह खाने, यहाँ पे पैटी और छोले भटूरे बड़े ही फेमस होते थे। और ये कैंटीन का ये देखो, ये पीछे से ना ये किचन का गेट है, तो बहुत ही अच्छा लगता था यार जब हम आते थे ना यहाँ पे। तो ये रहा देखो, आप देख सकते हो एनके बगरोटिया पब्लिक स्कूल। चीज कहना चाहूंगा, आई रियली मिस स्कूल एंड टीचर्स, जो भी हमारे टीचर्स थे अभी तक स्कूल के टीचर्स जो हैं, जैसे पवनीत मैम हो गए, सुषमा मैम, सो आज भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं हमें। आई रियली मिस दोज डेज एंड आई रियली मिस दोज टीचर्स जिन्होंने स्कूल के टाइम पे साथ दिया था और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। यू सो मच टू ऑल द टीचर्स, जो आपने हम सभी को इतना ग्रूम करा और यहाँ तक आपने पहुँचाया है,
सो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड विशेज एंड गाइडेंस. जो जिंदगी के बेस्ट लम्हे थे वो यहाँ पे बीते हैं और बहुत यादें ताज़ा हो गई यार वापस आके. बता नहीं पा रहा हूँ उन चीज़ों को शब्दों में, कितना मिस करता हूँ उन स्कूल के डेज को, जो सारे दोस्त हम इकट्ठे होते थे. अभी भी मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो अभी भी हम इकट्ठे घूमते फिरते मौज करते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम था यार वो वाला. 12-13 साल स्कूल में, 14 साल बिताए हैं नर्सरी टिल 12th, तो जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था. दोज डेज कैन नॉट कम बैक. और कहते हैं ना कि स्कूल में बच्चे रोते हुए आते हैं और फेयरवेल के टाइम पर रोते हुए जाते हैं, तो वही वाली बात है. अभी भी पुरानी यादें ताज़ा होके तो दिल भर आया है. और मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे हमारी वैन खड़ी होती थी. तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी ना वैन्स वगैरह खड़ी होती थी. ये रही हमारी बिल्लो रानी भी खड़ी हुई चमचमाती हुई, एकदम वॉशिंग करके आया हूँ इसलिए चमचमा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यार आगे. तो चलिए यार अब चलते हैं, दिन काफ़ी अच्छा बीता. ब्लॉग क्लोज करते हैं यहाँ पे. अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, पुरानी यादें हमने भी ताज़ा कर ली वापस से, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अब से ब्लॉग्स रेगुलर डालूंगा यार, बीच में गैप आ गया था, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी रानीखेत की ट्रिप करने के बाद. तो चलिए अब ऑफिस चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर.